नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली NCR में। दोस्तों, मैं रंजीत। आज की वीडियो बिल्कुल स्पेशल है और आज मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ आपसे, जो बहुत कम लागत से आप शुरू कर सकते हैं। चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं या नहीं भी पढ़े लिखे हैं, कम पैसे हैं तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और ये एक ऐसा काम है जो हर जगह चलेगा, गांव में, शहर में, कहीं पे भी ये काम आप कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करने हैं। इससे पहले, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर किया कीजिए वीडियो को, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि ये लाखों लोगों तक ये बात जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं और वो चाहते हैं कुछ करना, बट कई बार तो ऐसा होता है पैसा रहते हुए पास में लोगों के पास आइडिया नहीं होती कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए मैं ढेरों सारी वीडियो डालते रहता हूं और बहुत सारे लोगों ने काम किया है, उनकी लाइफ में बदलाव आया है। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए और अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन ला पाए। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बिज़नेस है, पॉपकॉर्न मेकिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आप देखते होंगे आज के टाइम में गांव में, शहर में, कहीं पे भी चले जाइए, पॉपकॉर्न बहुत बिकता है। बात करूं मशीन की, तो जो मशीन है, छोटी मशीन, वो 1999 यानी 2000 रुपये में मशीन मिल जाती है। अगर आपको लेना हो मशीन तो मैं नीचे भी लिंक डाल दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ये मशीन आप ऑनलाइन ले सकते हैं, अलीबाबा पे भी अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है, और भी बहुत सारी कंपनी है। दिल्ली में भी बहुत सारे लोग हैं जो पॉपकॉर्न की मशीन बनाते हैं। आप देखते होंगे मॉल्स वगैरह में, खासकर जब आप जाते हैं तो गेट के बाहर भी लोग पॉपकॉर्न बेच रहे होते हैं। ये मशीन इतनी छोटी होती है कि आप एक छोटे से टेबल पे, 1x1 का भी ये टेबल अगर है तो वहाँ पे भी साइड में आप ये मशीन लगा सकते हैं। कहीं पे भी स्विच है, नॉर्मल जो बिजली की स्विच होती है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि 3 फेज का वायर होना चाहिए, 2 फेज पे चलता है आसानी से। तो आप आसानी से इस मशीन को लगा के और पॉपकॉर्न तैयार कर सकते हैं। अगर पिक्चर हॉल वगैरह की बात करें तो आप देखते होंगे, और ऑब्वियसली आप लोग भी जाते होंगे मूवी देखने के लिए, पिक्चर हॉल में एक एक जो पॉपकॉर्न के डब्बे होते हैं, 500-400 रुपीस का एक एक डब्बा आता है, बड़ा वाला डब्बा। अगर बात करूं उसमें जो मटेरियल लगा है, मुश्किल से उसमें 20-25 रुपए का मटेरियल लगा है, और उसकी कीमत क्या होती है, 500 रुपीस, और लोग लेते हैं, खाते हैं। तो आप सोच सकते हैं 50 रुपीज और 500 रुपीज, तो 10 टाइम्स मार्जिन वाला ये बिजनेस है। अगर आप 2 रुपये का मक्का डालते हैं तो 30-40 रुपये तक का उसका जो है पॉपकॉर्न तैयार हो जाता है उसमें। और छोटे छोटे डब्बे होते हैं, लोग एरिया के हिसाब से अच्छे खासे पैसे लेते हैं। एक पॉपकॉर्न की कीमत नॉर्मल जो बाजार में मिलती है, आप देखते होंगे आजकल क्या है, मैं देखता हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे भी बीच में लोगों को देखता हूँ मैं गली मोहल्ले में घूम घूम के अपने ठेले पे, वो पॉपकॉर्न बेच रहे होते हैं 10 रुपीज का, 20 रुपीज का डब्बा, समझ रहे हैं। तो वो डब्बा जो है 1-1 रुपया, 2-2 रुपये का पॉपकॉर्न से ढेरों सारे पॉपकॉर्न तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कम पैसे में बिजनेस करना और आपको अगर शर्म नहीं है तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। और शर्म की तो बात ही नहीं है, बिजनेस तो बिजनेस होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। कई बार ऐसा होता है छोटे बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, जबकि कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है बट उसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है और प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है वो भी कम होता है। तो उससे अच्छा तो मुझे लगता है ये पॉपकॉर्न का बिजनेस है। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था आप लोगों से ये शेयर करने की, बट वही होते हैं, जब जागो तभी सवेरा, ये परफेक्ट टाइम है। सारी चीजें धीरे धीरे ओपन हो रही है। अब कुछ टाइम में पिक्चर हॉल वगैरह और जो मॉल्स वगैरह हैं वो तो लगभग खुल ही गए हैं, तो पिक्चर हॉल की बारी है जहाँ पे ज़्यादातर पॉपकॉर्न बिकते हैं। तो पिक्चर हॉल वगैरह भी ओपन होने वाला है, मॉल्स खुल गए हैं, मार्केट खुल गए हैं, तो दोबारा से लाइव जो है पटरी पे आ रही है। तो ऐसे टाइम में अगर आप सोच रहे हैं कुछ करने की, तो पॉपकॉर्न का काम बहुत ही अच्छा है। मैंने तो यहाँ तक देखा है, जो हमारे आसपास में जो मार्केट लगते हैं, मंडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, संडे मार्केट, वहाँ पे भी लोगों को मैंने देखा है ठेले पे एक पॉपकॉर्न का जो मशीन लगा के, और वहाँ पे पॉपकॉर्न वो लोग बेचते हैं घूम घूम के। तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। 2000 रुपये की मशीन ले लीजिए, 400-500 रुपये का भी अगर आपने मक्का ले लिया, और जो बस कुछ नहीं डालना, थोड़े से मसाला होते हैं इसके अंदर डालने के लिए, और नमक और मस्टर्ड ऑयल, इतना ही लगता है। तो कुल मिला के 3000 रुपये का भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आसानी से आप 500-700-1000 रुपीज़ तक रोज कमा सकते हैं। बहुत आसान है, और
लोगों को इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको किराया देना है, बहुत बड़ा दुकान लेना है, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्राउडेड एरिया में जाके, क्राउडेड जगह में जाके, क्राउडेड दुकान के आगे आप बात कर सकते हैं वहाँ के जो ऑनर हैं, जो भी दुकानदार हैं, कि भैया मेरे को छोटी सी टेबल लगानी है, एक मुझे पॉपकॉर्न सेल करना है। सीधी सी बात है, महीने का 500 लिया, 1000 लिया, 2000 लिया, इससे ज़्यादा नहीं लेगा वो, और आसानी से आपका काम चलेगा। और मज़े की बात ये है कि ऐसा नहीं कि बच्चे पसंद करते हैं पॉपकॉर्न खाना, बच्चे बड़े बूढ़े भी पसंद करते हैं जिसके दांत हैं। मशीन कहाँ से मिलेगी उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बाकी ऑनलाइन आप मशीन परचेज कर सकते हैं। मक्का कहीं पर भी मिल जाएगा आपको, मक्का किराना दुकान में, परचून दुकान में, हर जगह पे ये चीज़ें अवेलेबल है। कोई बहुत लंबी चीज़ें नहीं है, ना ही आपको डिपेंडेंट होना है कि एक ही जगह पे मक्का मिलता है वहीं से लाना है। मक्का हर जगह मिलती है, मंडी में चले जाइए, खारी बाबली से आप ले सकते हैं, अगर आप दिल्ली में हैं तो क्वांटिटी में बोरे के बोरे वहाँ पे मक्के मिलते हैं, और वहाँ से ला के आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और कमा सकते हैं ढेर सारा पैसा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई चीज़ों के साथ। जय हिंद, जय भारत।